अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आओगे इंसाफ के लिए आवाज उठाओगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। मतलब कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट में मत आओ, तो क्या कोर्ट ताला मार के बैठना चाहता है कि हमको जुडिशियल प्रोसेस खत्म कर देना है, कोई कोर्ट में मत आओ, कोई इंसाफ मत मांगो? क्या जुडिशियरी को खत्म करना चाहता है, कोर्ट सुसाइड करना चाहता है? जो सोशल वर्कर हैं, हम लोगों ने अगर आवाज उठाई तो हमको जेल में डाल दो, इंसाफ मांगने वाले को ही सजा दे दो, इंसाफ मांगना ही जुर्म है। आदिवासियों के इलाके में जो बड़े बड़े पूंजीपति जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, आदिवासियों की हत्याएं की जा रही हैं, उसको जो लोग कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं उन सबको जेल में डाल दो, तो उससे ये होगा कि आदिवासियों की तरफ से आवाज़ उठाने वाले लोग जेलों में चले जाएंगे, और जो आदिवासियों के इलाके में ज़मीनों पर कब्जा करना है, खदानों पर कब्जा करना है, वो पूंजीपतियों का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी मार्च महीने में 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और एफिडेविट फाइल किया, जिसमें उसने कहा कि हिमांशु कुमार माओवादियों के समर्थक हैं और इसलिए वो सरकारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई रोकने के लिए ऐसा केस डालते हैं और इनके खिलाफ FIR करने और इनकी जांच करने की इजाज़त CBI या NIA को दी जाए। हमारे साथ हैं हिमांशु जी, हिमांशु कुमार, और हिमांशु जी का परिचय तो बहुत लोगों को पता है इनके बारे में। तो ये जिसको कोट अनकोट एक्टिविस्ट कहते हैं, एक्टिविस्ट कह सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर इनमें बहुत कुछ है जो हम लोग इनसे जानना चाहेंगे, और बातचीत के दौरान पता चलेगा हिमांशु जी जो बातें रखेंगे और इनका जो अनुभव रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है स्टेट के बारे में, जो आज का जो जिसको डेवलपमेंट मॉडल बोलते हैं उसके बारे में, जो बस्तर में जो आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, और इन्होंने जो अपना काम किया वहाँ पे, और उन्होंने जब अपना काम किया तो किस ढंग से जो लोग नहीं चाहते थे कि वो अपना काम करे, तो उन्होंने फिर इनके प्रतिरोध में क्या किया, इनको दबाने का, कुचलने का। तो अभी हम लोग हिमांशु जी से जो अभी इनका जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके बारे में सुनेंगे। वो घुमपड़ में 2010 का घटना है, तो अभी सुनते हैं हिमांशु जी से, थोड़ा वो केस के बारे में बताइए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत नहीं आ पाते हैं आदिवासियों के मामले में, या मुसलमानों को जिस तरीके से दंगों में मारा गया वो सबूत नहीं पेश कर पाए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो जो जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार हुआ, मान लीजिए आदिवासियों की हत्या हुई और वो लोग कोर्ट में आए, तो अब जिन्होंने हत्या की है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि हमने हत्या नहीं की है। ये जिम्मेदारी पीड़ित पक्ष की नहीं होती है कि वो ये सबूत पेश करे कि मेरे लोग मारे गए हैं और इन्होंने ही मारा है। वो तो कहता है कि मेरे लोग मारे गए और ये लोग मारने वाले हैं, फिर मारने वाले को ये साबित करना होता है कि हमने नहीं मारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ था, 2009 में गोमपाड़ गांव में CRPF की कोबरा बटालियन गई और इन्होंने गोली से और तलवारों से 16 आदिवासियों को काट दिया। उसमें 1.5 साल का बच्चा था, उस बच्चे के हाथ काट दिया, वो बच्चा अपनी माँ की गोद में था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया, वो माँ मर गई। फिर उसकी 8 साल की बहन वहाँ खड़ी थी, उसको तलवार से काट दिया। फिर उसके उस बच्चे के नाना नानी आए, यानी उसकी माँ के माता पिता, वो अपने मायके आई हुई थी, उसके माता पिता को मार दिया। और एक 70 साल की वृद्ध महिला वहीं पास में थी, उसके ब्रेस्ट काट दिए। एक 80 साल के ब्लाइंड वहाँ पर बैठे हुए थे, बुज़ुर्ग आदिवासी, उनका पेट फाड़ दिए। ऐसे 16 लोगों को तलवारों से काटा।
इनके रिश्तेदार हमारे पास आए, हम लोग वहाँ दंतेवाड़ा में ही गांधीवादी तरीके से काम कर रहे थे, आश्रम था हमारा, तो हमारे आश्रम में आए पीड़ित लोग, हम लोग उनको लेकर मीडिया के सामने गए और उसके बाद दिल्ली आ गए और दिल्ली में हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। उसमें जो आई विटनेस थी एक लेडी सोड़ी संभो, उसके पाँव में गोली लगी हुई थी, उसके उसका इलाज करवाया, उसने सब बताया, मीडिया को भी बताया। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हिमांशु कुमार नक्सल सिंपथाइज़र है और वो इसलिए केस डालते हैं ताकि पुलिस का मोराल डाउन हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सरकार को लताड़ लगाई और मीडिया में अभी भी आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर दिख जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है कि स्टॉप क्रिएटिंग बोगी ऑफ नक्सल सिंपथाइजर्स, और उसमें बाकायदा मेरा नाम है कि आप हिमांशु कुमार को नक्सल सिंपथाइजर नहीं कह सकते क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की मांग उठा रहे हैं, सो ये गलत है, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। 2010 में जब ये हत्याकांड हुआ, अच्छा 9 में हुआ या 10 में, सॉरी 9 में, अक्टूबर 9 में, हाँ। उसके बाद 10 में क्या किया इन्होंने, कुछ ही महीने के अंदर अंदर वहाँ के जो एसपी था अमरेश मिश्रा दंतेवाड़ा का, वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, उसने जाके कब्र खोदी और कब्र खोद के आदिवासियों के हाथ काट के ले गया, मरे हुए लोग जो कब्र में दफन थे उनके हाथ काट लिए, क्योंकि उसको डर था कि अगर कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच का आदेश दे दिया तो उसमें जांच में हाथ का जो धोते हैं केमिकल से और उसको एनालाइज करते हैं, अगर उस आदमी ने गोली चलाई है, बंदूक चलाई है, उसका जो धुआं होता है वो धुआं हाथ पे बैठ जाता है, उसको जब धोते हैं केमिकल से तो पता चल जाता है कि इसने ये गोली चला रहा था कि नियत्था था, अनार्म था। तो ये पता ना चल सके फॉरेंसिक जांच में, तो एसपी ने उनके हाथ काट लिए अमरेश मिश्रा ने, और ये बात उस समय मीडिया में भी आई और अमन सेठी की रिपोर्ट में है, द हिंदू में छपा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हमने शिकायत की, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को डांट लगाई कि स्टे अवे ऑफ द विलेज, आप गांव में नहीं जाओगे बिल्कुल जब तक हम लोग जांच कर रहे हैं। ये हुआ, उसके बाद ये केस चलता रहा। फिर 2016 में छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि हिमांशु कुमार और सोनी सोरी दोनों के ऊपर फाइन लगाओ क्योंकि ये झूठा केस इन्होंने फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी सरकार की बात नहीं सुनी क्योंकि सोनी सोरी का भी एक के बाद एक जो फर्जी केस में सोनी सोरी को फंसाए थे सरकार, सोनी उसमें से बरी होता जा रहा होती जा रही थी, सोनी का इनोसेंस, उसकी जो निर्दोषता थी वो साबित होती जा रही थी, और हम लोगों के भी एक के बाद एक केस में हम लोग प्रूव हो रहे थे कि हम सही बोल रहे हैं। एक दूसरा गांव है जहां 3 आदिवासियों की हत्या हुई थी, वहां पर भी 3 पुलिस वाले जेल में गए। फिर सिंगारम में NHRC की रिपोर्ट आ गई कि वो भी जहां 19 लोग मारे गए थे वो फर्जी मुठभेड़ थी, पुलिस झूठ बोल रही है, वो भी हमने हाई कोर्ट में केस डाला था। तो हमारे सारे केस सही साबित होते जा रहे थे। एड्स मिट्टा का रिपोर्ट आ गई थी, 8 निर्दोष आदिवासियों को मारा गया। सारकेगुड़ा की रिपोर्ट आ गई थी जहां 17 निर्दोष आदिवासियों को मारा गया। तो हमारी धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही थी और सरकार की बदमाशियाँ सामने आती जा रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात नहीं सुनी। तो अभी मार्च महीने में 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और एफिडेविट फाइल किया जिसमें उसने कहा कि हिमांशु कुमार माओवादियों के समर्थक हैं और इसलिए वो सरकारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई रोकने के लिए ऐसा केस डालते हैं और इनके खिलाफ FIR करने और इनकी जांच करने की इजाज़त CBI या NIA को दी जाए। अब
असल में क्या है कि उस वक्त जो एसपी अमरेश मिश्रा इस पूरे हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है वो भी एनआईए में डीआईजी है, वो भी एक वजह है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस एफिडेविट में ये भी लिखा है कि पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स में इस तरह से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ केस दायर किए हैं उन सब के खिलाफ एफआईआर करने और उन सब की जांच करने का इजाजत दी जाए। मतलब सरकार क्या चाहती है कि जितना भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जितना भी निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है और उसको जो लोग भी कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं उन सबको जेल में डाल दो। क्यों? ताकि आदिवासियों के इलाके में जो बड़े बड़े पूंजीपति जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, आदिवासियों की हत्याएं की जा रही हैं, उसको जो लोग कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं उन सबको जेल में डाल दो। तो उससे ये होगा कि आदिवासियों की तरफ से आवाज उठाने वाले लोग जेलों में चले जाएंगे और जो आदिवासियों के इलाके में जमीनों पर कब्जा करना है, खदानों पर कब्जा करना है, वो पूंजीपतियों का रास्ता साफ हो जाएगा। कोई विरोध में बोलने वाला मानवाधिकार कार्यकर्ता जेल के बाहर नहीं बचेगा। तो ये भीमा कोरेगांव टाइप का केस बना सकते हैं, एक ऐसा केस बना दो फर्जी जिसमें हिमांशु कुमार को जेल में डाल दो, फिर बाकी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको भी जेल में डाल दो, ताकि कोई सुरक्षा बल जो आदिवासियों की हत्याएं कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलने वाले लोग ना बचें। तो ये हमें लग रहा है। और इसमें जो अभी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उसमें जो कोर्ट का रुख था वो हमारे बहुत खिलाफ था, जो जज थे वो हमारे खिलाफ, उनकी जो टोन थी वो हमारे खिलाफ थी, हॉस्टाइल थे बहुत। और ये देख के हमें बहुत दुख भी हुआ है कि हम लोगों ने तो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। आपने तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र किया, तीस्ता सीतलवाड़ को क्यों जेल में डाला गया? क्योंकि उसने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आओगे इंसाफ के लिए आवाज़ उठाओगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। मतलब कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट में मत आओ। तो क्या कोर्ट ताला मार के बैठना चाहता है कि हमको जुडिशियल प्रोसेस खत्म कर देना है, कोई कोर्ट में मत आओ, कोई इंसाफ मत मांगो? क्या जुडिशरी को खत्म करना चाहता है, कोर्ट सुसाइड करना चाहता है? अच्छा ये बताइए, ये कोर्ट में तो आप गए थे वो केस लेके, कुंपाड़ वाला केस जी, है ना? तो फिर 2016 में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आप लोगों के खिलाफ एक जी दिया, है ना जी, और इधर आके फिर एफिडेविट जो जी दिया मार्च में जी, ये आपने, आप कोर्ट में गए तो कोर्ट को आपका जो पिटीशन है उस पर एक फैसला देना चाहिए, है ना जी। ये बीच बीच में ये लोग जैसे क्यों जा रहे हैं मार्च में जाके, ये लोग एफिडेविट क्यों अलग से दे रहे हैं? ये तो जुडिशियल प्रोसेस है, उसको भटकाने की कोशिश है कि कोर्ट जो है बजाय इस बात की जांच का ऑर्डर देने के कि 16 लोग मारे गए, किसने मारा इसकी जांच करो, इसकी बजाय जो पेटिशनर है उसी के खिलाफ जांच शुरू कर दो। तो ये एफिडेविट देना बनता था क्या अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का? मतलब क्यों कर रही है? बदमाशी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बदमाशी है कि वो बजाय इसके कि 16 आदिवासियों की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को सजा दे, उसकी बजाय जिन लोगों ने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, हम जैसे लोग जो गांधीयन हैं, जो सोशल वर्कर हैं, हम लोगों ने अगर आवाज़ उठाई तो हमको जेल में डाल दो। इंसाफ मांगने वाले को ही सजा दे दो, इंसाफ मांगना ही जुर्म है। लेकिन 2010 में जो आप बता रहे थे पहले कि 2010 में तो उन्होंने ठीक है जो भी पीड़ित है उनका हम बयान लेंगे जी, वो तो किया था, लेकिन उसमें फिर घपला किया? नहीं देखिए, बयान जो है वो तो निचली कोर्ट में होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये आदिवासी मुझसे मिलने आए तो पुलिस ने इनको किडनैप कर लिया, हमारे पास वीडियो भी है किडनैपिंग का, पुलिस बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में इन आदिवासियों को किडनैप करके ले जा रही है, 12
पेटिशनर में से 6 को पुलिस ने किडनैप कर लिया, और किडनैप करके जो डॉक्यूमेंट कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उन जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक भी किया, और वो वीडियो अभी भी यूट्यूब में मौजूद है मेरे चैनल पर। और उसके बाद उनको ले जा करके जान से मारने की धमकी दी, जंगल में ले जाके उनको बंदूक दिखाया, तुमको मार देंगे तुम लोग अगर हमारा नाम लोगे, और उसके बाद ला करके दिल्ली में 30,000 में उन लोग का बयान दर्ज कराया। उसमें उन्होंने कहा कि जंगल से अनआइडेंटिफाइड लोग आए वर्दी में और उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया। ऑन पेपर ये सब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ये था कि एविडेंस कलेक्ट करो, ये था, और उसी ये था गुंडागर्दी वगैरह नहीं। पुलिस ने कहा कि हमारे पास वो पेटिशनर हैं और हम चाहते हैं कि आप उनका बयान रिकॉर्ड करो। अच्छा, पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस ने कहा, अच्छा, तो पुलिस की कस्टडी में लोग हैं, यानी एक तरीके से परपिट्रेटर के कस्टडी में हैं लोग, और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हाँ इनका बयान दर्ज कर लो। पुलिस नहीं मारा है, पुलिस की कस्टडी में पेटिशनर हैं और वो उनका बयान दर्ज हो रहा है। अच्छा, पुलिस ही बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ ठीक है इनका एविडेंस लो इनसे। हाँ, अच्छा, तो पुलिस ही उनको लेके आई। मतलब ये घटना हुआ है, बता दूं ताकि सुनने वालों को ये अंडरस्टैंड समझने में आसान हो। तो वो जो पेटिशनर में से कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ के हिरासत में रखा है, हिरासत में रखा, और ये बयान दिलवाया जब उनको गन पॉइंट पे उनको धमका के कि तुमको जान से मार देंगे अगर हमारे खिलाफ बोले। उसके बाद भी 6 महीने अपनी कस्टडी में रखा है, उसके बाद उनको छोड़ा है। अभी हम लोग उनसे मिले, वो सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हमको पुलिस ने जान से मारने का धमकी दिया था और हमको हमारे लोगों को पुलिस नहीं मारा था। अभी भी अगर कोर्ट SIT का गठन करे तो वो लोग बोलने को तैयार हैं। तो भाजपा के टाइम में मारे गए ना, तो अभी तो वहाँ कांग्रेस है। अभी सुप्रीम कोर्ट अगर आर्डर दे दे, SIT का गठन कर दे, या किसी पुलिस ऑफिसर को नियुक्त कर दे कि जाके जांच करो, तो वो गांव वाले बता देंगे कि हमारे लोगों को पुलिस। तो आज के तारीख में क्या आपका लॉयर जाके कोर्ट में ये बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने उस टाइम, चूंकि पुलिस के इसमें निगरानी में थे, तो इसलिए उन्होंने वो गलत गलत स्टेटमेंट दे दिया, जो घटना हुआ उसका विवरण नहीं दिया, लेकिन आज के तारीख में वो घटना जो हुआ है ना, वो बताने को तैयार है? हाँ, हमारे लॉयर को तो यहाँ इस बार आर्गुमेंट में बोलने ही नहीं दे रहे थे। जज जो हैं वो इतने हॉस्टाइल थे कि वो सरकारी वकील की तरफ से जज ही आर्गुमेंट कर रहे थे, हमारे वकील को बोलने नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जज पहले से तय करके बैठे हैं कि सरकार को बचाना है और पेटिशनर को ही सजा दे देनी है। तो हिमांशु जी, तो पैटर्न क्या निकल के आ रहा है छत्तीसगढ़ का, जो कोर्ट का साथ जो एक्सपीरियंस रहा, जैसे बाकी केसेस आप बता रहे थे, ताड़मेटला का हुआ, फिर वो कौन सा बोल रहे थे आप, जो माटवाड़ा केस है ना, और जिसमें वो नंदिनी सुंदर वाला भी केसेस है, जिस इसमें कोर्ट का एक फेवरेबल जजमेंट आया जी, तो उसमें क्या ऐसा है कि जहाँ जहाँ घटना के बाद NHRC जैसे ह्यूमन राइट्स आयोग वगैरह, कमीशन वगैरह ऑलरेडी वहाँ जाके एक राउंड एविडेंस कलेक्ट कर चुका है, उसके बाद अगर आप कोर्ट में जाते हैं, वो जो NHRC जैसे एक बॉडीज ने एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, तो कोर्ट शायद पॉजिटिव जजमेंट देने को थोड़ा एक उसमें संभावना बनता है। हाँ, ये अभी गोमपाड़ वाला में NHRC तो आया नहीं ना। गोमपाड़ में 3 लोगों की हत्या की गई, 300 घर जलाए गए थे, और 5 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, और ये हुआ कल्लूरी के नेतृत्व में। उसके बाद वहाँ जब कलेक्टर गया तो कलेक्टर के साथ कल्लूरी ने हाथापाई किया, कलेक्टर के छाती पे पिस्तौल लगा दिया, उसको गांव में नहीं जाने दिया। उसके बाद स्वामी अग्निवेश गए, स्वामी अग्निवेश पे अटैक किया, उनके गाड़ी के कांच फोड़ दिए, मीडिया के ऊपर अटैक किया, मीडिया को नहीं जाने दिया गया, लेकिन फिर मीडिया छुप करके इधर से गए आंध्र प्रदेश की तरफ से, वो सारा फिर स्टोरी बाहर आया। फिर लिंगा कोड़ोपी गए, लिंगा कोड़ोपी ने वीडियो बनाया, तो उसके बाद लिंगा कोड़ोपी को फर्जी केस में फंसा करके फिर उनके NS में डंडा घुसा दिया, फिर उनको टॉर्चर करके जेल में डाल दिया, फिर सोनी सोरी को जेल में डाल दिया। तो ये सब हुआ। उसके बाद
ताड़मेटला के उसमें स्वामी अग्निवेश सुप्रीम कोर्ट गए कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला कि आप जाके जांच करो। सीबीआई की टीम जब पहुंची तो पुलिस वालों ने सीबीआई टीम पर अटैक किया। अच्छा, ताड़मेटला में सीबीआई बोल रहे हैं आप? अच्छा, हाँ, गोमपाड़ में तो नहीं आया? गोमपाड़ में नहीं आया। गोमपाड़ में नहीं आया। उसके बाद सीबीआई टीम ने अपने आप को बचाने के लिए गेस्ट हाउस में बंद कर लिया। फिर पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। फिर सीबीआई ने दिल्ली फ़ोन किया। फिर दिल्ली से सीआरपीएफ को इंस्ट्रक्शन गया कि सीबीआई टीम को बचाओ। फिर सीबीआई टीम को बचाने जब सीआरपीएफ आई तो पुलिस वालों ने सीआरपीएफ के ऊपर फायरिंग की। फिर सीआरपीएफ ने पुलिस पे फायरिंग की। सीबीआई टीम को बचा करके सीआरपीएफ अपने बैरक में ले गई तो पुलिस वालों ने सीआरपीएफ की बैरक के ऊपर फायरिंग की। फिर बॉम्ब चलाए, पुलिस ने सीआरपीएफ कैंप के ऊपर बम फेंके, सीआरपीएफ वालों ने पुलिस वालों पर बम फेंके। तो ये सब हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का एफिडेविट है। मेरे पास वो एफिडेविट की कॉपी है। वो सीबीआई नंदिनी सुंदर वाले केस में सीबीआई ने ये लिख कर दिया है कि हमारे ऊपर पुलिस ने अटैक किया है और ये बीजेपी के टाइम में हुआ है। तो मतलब छत्तीसगढ़ में अगर सीबीआई की टीम सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसी के ऊपर अटैक हो सकता है। तो इस देश में फिर आप एक्टिविस्ट या आदिवासी कितना सुरक्षित है वो कल्पना कर सकते हैं। कल्लूरी का जो पुलिस का जो पावर है ग्राउंड लेवल में, हाँ जी, वो उसका स्रोत क्या है? वो मतलब कहाँ से आ रहा है कि इवन सीबीआई को चैलेंज कर रहा है? एक तो ये होगा कि भाई डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री का आशीर्वाद था चिदंबरम का उस पे, है ना? ये तो लोग पता है। ये कल्लूरी का कैसे बना उसका नेटवर्क वहाँ? देखिए, ये जो इलाके हैं जो नक्सल अफेक्टेड कहे जाते हैं या जो माइनिंग जोन है, माइनिंग जोन में पैसा बहुत है। एक पैसा तो कॉरपोरेट देता है। कॉरपोरेट बोलता है कि कानून की परवाह मत करो, कोर्ट की चिंता मत करो, हम सबको मैनेज कर लेंगे। तुम तो सिर्फ हमारे लिए ज़मीन खाली कराओ, हमको कब्ज़ा कराओ। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है कि आप एनएचआरसी की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, आप तो वो करो जो हम कह रहे हैं। राजनाथ सिंह का बयान है ये, उस समय वो मिनिस्टर था। इसके अलावा वहाँ पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पत्रकारों को ये कंपनियां पैसा देती हैं कि आपको क्या छापना है, क्या किसके खिलाफ़ लिखना है, सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ लिखना है, आदिवासियों के खिलाफ लिखना है, आपको कंपनियों के पक्ष में लिखना है, आपको लिखना है कि कंपनी आएगी तो बड़ा विकास होगा, वो हवा बनानी है। इसके अलावा इन इलाकों के लिए अनऑडिटेड फंड जाता है जिसका ऑडिट नहीं होता है। वो मुखबिर खड़े करने के लिए, जिसको गोपनीय सैनिक कहा जाता है, आप जानते हैं उस इलाके में गोपनीय सैनिक होते हैं। अच्छा, जिसको मुखबिर कहा जाता है। तो वो उसका नाम भी नहीं रहता है रिकॉर्ड में, वो कौन है, उसको पैसा जाता है हर महीने। अच्छा, 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 अच्छा। वो पैसा करोड़ों अरबों रुपए होता है और वो पैसा पुलिस अधिकारियों के हाथ में होता है। उसका कोई ऑडिट नहीं होता है, कोई रसीद नहीं होती है। उस टाइम जो आप उदाहरण दे रहे थे कि राशन का दुकान वो जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होके किसी एक बड़े ठाकुर के घर में शिफ्ट कर दिया जी, करने का प्लान था। हाँ, करने का प्लान था। हाँ, है ना? हाँ, या कई जगह किए भी होंगे। जी जी जी। हाँ, तो यानी कि जो गवर्नमेंट का जो नेटवर्क है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो कोई कोई बंदा अपना पर्सनल जैसा चलाता है वो। जी, तो कल्लूरी इस टाइप का क्या क्या किया होगा इस टाइप का? फिर वो सरकारी पैसा खुद बांटता होगा? देखिए, कल्लूरी जब वहाँ पर आया है तो उसके बाद ज़्यादा दिन मैं नहीं रहा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में फिर मेरे ऊपर अटैक हुआ, 5 बार मेरी जान लेने की कोशिश हुई, मेरे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया गया था और उसके बाद मेरे साथियों को जेलों में डाल दिया गया। 2009 में आपका आश्रम पे? जी, 17 मई 2009 में। 2009 और उसके बाद 2010 में 4 जनवरी को मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। उस रात मेरी हत्या की जानी थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था।
मेरे साथी के घर पर अटैक हुआ और उसने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि आज रात को पुलिस आपकी हत्या करेगी, तो फिर मैं उस रात वहाँ से निकला हूँ और उसके बाद 10 साल मैं छत्तीसगढ़ नहीं जा पाया। तो लेकिन कल्लूरी के समय में कल्लूरी ने मेरे खिलाफ उस समय अखबारों में स्टेटमेंट दिए। पहले तो कल्लूरी ने ये कहा कि हिमांशु कुमार माओवादियों को पैसा देता है विदेशों से लाकर। उसके बाद मेरे ग्रांट्स बंद हो गई, FCRA ख़त्म हो गया, उसने हमारे साथियों को जेलों में डालना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने वहाँ पर जो सलवा जुड़ुम ने 644 गांव जलाए थे उसमें से 40 गांव को हमारी संस्था ने दोबारा बसाया था, हम लोगों ने रिहैबिलिटेट किया था। आंध्र प्रदेश से हम लोगों को लेके आए, जो लोग जंगल में जान बचाने के लिए आदिवासी छिपे हुए थे उनको वापस लेके आए। 4 साल बाद दोबारा खेती शुरू करवाई, उनके घर बनाए, उनको बाजार लेके जाते थे, चावल खरीद के लाओ, अपना आराम से रहो। तो हमारे साथियों को जो लोग ये काम कर रहे थे उनको जेलों में डाल दिया। सुखनाथ ओयामी हमारा कार्यकर्ता था, उसको जेल में डाल दिया और बोले कि इसके पास से बॉम्ब मिला, इसके पास से नक्सल लिटरेचर मिला। और 2 साल बाद कोर्ट ने पूछा कि कहाँ है वो नक्सल लिटरेचर, तो कल्लूरी की पुलिस ने बोला कि वो तो हमने जला दिया। कोर्ट ने पूछा बॉम्ब कहाँ है जो इनके पास से मिला, बोले बम फोड़ दिया। कोर्ट ने कहा तो फिर इनको भी घर जाने दो जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। तो हमारे सुखनाथ को छोड़ दिया। कोपा कुंजाम जो हमारा साथी गांव बसा रहा था आदिवासी साथी, उसको उल्टा लटका के मारा थाने में, उसको जेल में डाल दिया। 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उसको जमानत करवाई। तो इस तरीके से वो हमारा पूरा जो गांव बसाने का काम था उस काम को इन लोगों ने उससे घबरा गए और उसके कारण फिर हम पर अटैक शुरू किए। क्योंकि सलवा जुड़ुम जो था वो अमीर पूंजीपतियों को बस्तर के खदान जमीन जंगल सौंपने का पूरा अभियान था। गांव जला दिए गए, आदिवासियों को भगा दिया गया, संविधान को कुचल दिया गया, कानून को पूरा तहस नहस कर दिया। हम लोगों ने कहा हम ये नहीं होने देंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे, कानून को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और आदिवासियों को दोबारा उसके गांव में बसाएंगे। तो हम लोगों ने गांव बसाने का काम शुरू किया। तब हम पर अटैक हुआ तो कल्लूरी ने अटैक में लीडिंग रोल निभाया। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सरकार जिस मतलब सरकार मतलब तो वो तो जो मतलब एक लेवल पे तो जनता से चुन के जा रहा है, तो हमको लगता है कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या कानून का अवहेलना हो रहा है, संविधान में जो है उसका फॉलो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम सरकार के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कहानी सुन के ऐसा लग रहा है, गुमपाड़ का हो या ताड़मेटला या बाकी भी केसेस, कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है लग रहा था कि वो लग रहा है कि वो उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ये बात कोर्ट का नियंत्रण है ना सरकार का, और वो खुद ही डिसीजन ले रहा है। तो अभी भी मैं ये चीज़ नहीं समझा। खाली CBI नहीं, वहाँ पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस को माओवादी कह के भगाया गया, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर इंटरनेशनल संस्था उसको माओवादी कह के वहाँ से भगाया गया। अच्छा आप जो कह रहे हैं ना यही ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छा आप अगर नंदनी सुंदर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ेंगे तो जो आप कह रहे हो वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सरकार कर क्या रही है, सरकार संविधान की को कुचल रही है। उसने जोसेफ कोर्नार्ड की जो किताब है द एज ऑफ डार्कनेस उसको कोट किया है। हॉरर हॉरर, सरकार ने आतंक का राज कायम कर दिया है यहाँ पर। आप पढ़िए वो जजमेंट, शानदार डॉक्यूमेंट है वो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सरकार आतंक का राज कायम करना चाहती है और उसमें कोर्ट की परमिशन चाहती है कि हमको आतंक का राज लाने दो, ये लोगों की हत्याएं कर रही है। ये जो बड़े कंपनी जो है कॉरपोरेट का, जिससे मैं भी अभी गया था, हम लोग टीम बना के गए थे छत्तीसगढ़, आप तो कितने साल से वहीं हैं, ये कंपनी है सब कुछ करा रहा है, कॉरपोरेट पैसा दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो कभी उसका चेहरा सामने नहीं आता है। एक उदाहरण देता हूँ, एक बार जब मारुति का आंदोलन हो रहा था, RC भार्गव मारुति का क्या है CEO चेयरमैन,
उसने पता नहीं कैसे एक इंटरव्यू में, शायद NDTV के साथ इंटरव्यू था, उसमें उसने बोल दिया कि ये जो हो रहा है ये तो क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष है। यूजुअली ये कभी नहीं बोलते हैं इस टाइप की चीज़, बोलते हैं कि सब हो जाएगा, हम लोग ये कर देंगे, वर्कर वो भी खुश है हमारे साथ, इस टाइप से। छत्तीसगढ़ में इतने कंपनीज है ना, कभी ये लोग चुप बैठते हैं और अंदर ही अंदर काम हो रहा है, उसमें एक लॉजिक है ना हिमांशु जी। अब देखिए, फर्जी ग्राम सभा हुई बेलाडीला में भी, हसदेव में भी फर्जी ग्राम सभा हुई। बेलाडीला में तो चूंकि बहुत जोरदार आदिवासियों ने आंदोलन किया और आदिवासियों के आंदोलन से थोड़ा सा सरकार और नई नई सरकार आई थी तो वो रद्द कर दिया गया अडानी का प्रोजेक्ट। लेकिन हसदेव में फर्जी ग्राम सभा का पूरे गांव ने कहा कि फर्जी हुई है, हम लोगों ने तो साइन नहीं किए थे, लेकिन सरकार दोबारा ग्राम सभा कराने को तैयार नहीं है। और उसी फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर अडानी को नई खदान दे दी है, नया जंगल काटने की इजाजत दे दी है। वहाँ गांव वाले कह रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभा को रद्द करो, दोबारा करो, और ये कानून है कि कर सकते हैं, लेकिन सरकार अड़ी हुई है, नहीं कर रही है। मीडिया भी देख रहा है, कोर्ट भी देख रहा है, सरकार भी देख रही है, जिनको कानून की रखवाली करनी है, रक्षा कर रही है, सब देख रहे हैं, पर कोई कानून की पालना नहीं कर रहा है हटाने के लिए। अच्छा ये बताइए, अभी जो नए टाइप के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, सिलगेर का हुआ, सर बेछापाल में भी है, कैंप के अगेंस्ट में, ताड़मेटला में, ये अपना गोमपाड़ में भी चल रहा है, सिंगारम में भी चल रहा है, वो भी कैंप के अगेंस्ट में है। ये वहाँ जो जनसंघार हुए हैं जिन मामलों को लेके हम कोर्ट में गए हैं, अच्छा अच्छा, उसके खिलाफ हो रहा है, उसमें न्याय मांग रहे हैं लोग, उसमें न्याय मांग रहे हैं। सरकेगुड़ा भी उसी में आता है, सरकेगुड़ा जी, सरकेगुड़ा केस तो लेकिन कोर्ट में नहीं गए। सरकेगुड़ा न्यायिक आयोग बिठाया गया था, उसका रिपोर्ट आया, लेकिन उसमें FIR नहीं हुआ किसी के खिलाफ। अच्छा 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 अच्छा, दिक्कत ये हो रही है कि ये साबित हो जाता है कि मारे गए लोग निर्दोष आदिवासी थे, पर किसी को सजा नहीं मिलती है। तो लोग जो मारने वाले लोग हैं वो डरते नहीं है। अच्छा, आप जो उदाहरण दे रहे थे कि कोर्ट में जब वो विटनेस चल रहा है तो उसमें ये बोला कि हाँ मारा तो गया और उस तरफ से आया जंगल के साइड से, तो जंगल के साइड से जो आया उसमें जो मैनिपुलेट किया कोर्ट ने उस गोंडी शब्द को लेके, वो थोड़ा बता दीजिए ना। नहीं, मैनिपुलेट कुछ नहीं हुआ। देखिए, केस ये है कि 16 लोग मारे गए। किसने मारा? पेटिशन में गांव वालों ने बोला है, 12 लोगों ने बोला है पुलिस ने मारा, पुलिस ने मारा। 6 लोगों को पुलिस ने किडनैप कर लिया उनमें से और ला के बुलवा दिया कि हमको नहीं पता मारने वाले पुलिस वाले थे या कौन थे, हम उनको नहीं पहचानते। मरा तो था, ये तो मरे हैं, मारे गए हमारे लोग, ये सच है, पर हम मारने वालों को नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। पुलिस इसको अपनी जीत बता रही है। जीत कहाँ है? अच्छा, लोग तो मारे गए ना, लोग तो मारे गए, कौन मारे गए वो अभी तक नहीं पता है, उसकी तो जांच होनी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को एक SIT का गठन करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि आप जांच करो किसने मारा, और पुलिस को जिम्मेदारी नहीं दे सकते क्योंकि पुलिस तो हत्यारा है इसमें, उसके ऊपर तो आरोप है कि इन्होंने मारा है, तो आप पुलिस को कैसे बोल सकते हो तुम जांच करो। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रही है पुलिस, हमने तो 2010 में FIR कर लिया था, हमने तो चार्जशीट भी फाइल कर दिया था, इनको कोर्ट में आने का जरूरत नहीं था। अरे तो 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है इन सबसे जो पिटिशनर है इन सबसे एविडेंस कलेक्ट करो, है ना, जो 30,000 कोर्ट में जो हुआ, आप जो बता, एविडेंस कैसे हो सकता है, खाली बयान हो सकता है, बयान, हाँ बयान, बयान हो सकता। उस टाइम क्या ये कहा गया कोर्ट को कि नहीं आप पूरा एक SIT या इस टाइप के, वो तो हमारा फर्स्ट प्रेयर में है, फर्स्ट प्रेयर में है कि या तो CBI या SIT की जांच का आदेश दीजिए। वो तो 2009 में ये केस नंबर है 103/2009 रिट पिटीशन क्रिमिनल, अच्छा अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि कोर्ट को शायद पहले पता है कि भाई 6 लोग तो इनके साथ है, पुलिस के साथ, तो पुलिस का फेवरेबल बयान देंगे ये,
पुलिस किडनैप करके लाई है, पुलिस किडनैप करके लाई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है इनका स्टेटमेंट ले लो। मतलब एक पहले का एक सेटिंग फिटिंग भी तो लग रहा है इसमें कि पहले से सेटिंग फिटिंग नहीं, सेटिंग भी कहां हुआ। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि पुलिस ने नहीं मारा, वो कह रहे हम पहचानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो अब ये तो जांच आयोग के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है कि वो ऐसी जांच करे कि अपराधी पकड़े जाए। अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी जो लोग मारे गए हैं उनकी तो नहीं है ना, कि तुम पकड़ के लाके दो हमको, या तुम, ये तो पूरा सिस्टम का काम है ना कि वो पकड़ के लाए अपराधियों को। तो बाकी जो आप लोगों के पास, जो आपका और आपके लॉयर के पास जो एविडेंस है वो भी तो प्रस्तुत किया गया कोर्ट में। देखिए हमारे पास तो सारे एविडेंस हैं। उस गांव में इस हत्याकांड के बाद लगातार मीडिया जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, कब्रें खोदी गई, पूरे अमन सेठी की रिपोर्ट है, दूसरे तहलका की रिपोर्ट्स हैं, तहलका के पत्रकार गए, दूसरे मीडिया के पत्रकार गए, लोकल पत्रकार गए, वीडियो तरह का पत्रकार, बहुत रिपोर्ट्स आई हैं। ये बहुत हाईलाइटेड मामला रहा है। लेकिन अब 12 साल तक आपने न्याय नहीं दिया। अब 12 साल बाद आप कह रहे हो कि तुम कोर्ट में क्यों आए, पुलिस ने तो FIR लिख दी थी, कि क्या लिखी, किसके खिलाफ लिखी, कौन अरेस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी मान रहे हैं आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, 12 साल में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप कोर्ट क्यों आए, आपको आने की जरूरत ही नहीं थी। अरे 16 लोग मरे हैं, हम न्याय नहीं मांगेंगे, 16 लोग न्याय नहीं मांगेंगे। आप कह रहे क्यों आए कोर्ट में, पुलिस के ऊपर भरोसा रखो, पुलिस तो मारने वाली है, उसके ऊपर कैसे भरोसा रखेंगे। नहीं मैं ये पूछ रहा था कि आपके वकील ने वो जो आपके पास एविडेंस है ऑफिशियली कोर्ट के सामने में रखा होगा ना, जैसे अच्छा सारा हर चीज, फिर भी वो उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। नहीं मतलब ये तो टलता रहा ना, 13 साल हो गए, 13 साल में एक मामला अगर डिसाइड नहीं हुआ है इसका मतलब है कोर्ट डिसाइड करना ही नहीं चाहता था, नहीं चाहता है, वरना ये तो एक महीने के अंदर डिसीजन हो सकता था ना। 13 साल तक क्यों टाला।